वैष्णो देवी मंदिर रोड पर तेज वाहन चालकों, जॉगर्स पार्क में नशा करने वालों पर कार्रवाई के लिए वार्ड पार्षद ने थाने पर कार्रवाई की मांग कर ज्ञापन सौंपा है। हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 9 के पार्षद राकेश सिंह यादव ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड रहवासियों के साथ कोतवाली थाना बड़वानी में टीआई विकास कपीश को ज्ञापन देकर जोगर्स पार्क में असामाजिक तत्वों द्वारा नशा कर महिलाओं को कमेंट्स किया जा रहा है। वहीं वैष्णो देवी रोड पर तेज वाहन चलाने की घटनाएं भी बढ़ रही है, जबकि इस रोड पर यातायात थाना और लोकसभा सांसद का निवास भी है। मेरा नाम विश्वास सराफ है, मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड क्रमांक 9 का निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी में जो मेन रोड है, जो हमारे कॉलोनी में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के घर से जो नीचे एनवीडीए कॉलोनी तक जाता है, उस रोड पे बच्चे खेलते रहते हैं और वहां पे शाम से लेकर देर रात तक जो बाइक वाले हैं वो बहुत स्पीड में निकलते हैं, जिससे बच्चों के एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और आने जाने वाले जो पैदल वार्ड वासी है उनके ऊपर भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। यातायात थाना भी यहीं पे? जी हाँ, यातायात थाना भी यहीं पर। उस रोड पे करीब 2 से 3 चौराहे हैं जहाँ से दोनों साइड से बाइक आती है, तो कभी भी इस तरह के एक्सीडेंट पहले भी हुए हैं और आगे भी भविष्य में इस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं। हम लोगों ने लड़कों को कई बार रोक के समझाया भी, लेकिन वो क्योंकि नशे में रहते हैं रात में, इसलिए लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं और कोई भी बात नहीं सुनते, इसलिए हम विवादों से बचने के लिए थोड़ा सा अपने आप को इस स्थिति से पीछे रखते हैं, लेकिन उचित कार्रवाई होना जरूरी है, जो कृपया होना चाहिए। मेरा नाम राकेश सिंह यादव है, मैं वार्ड क्रमांक 9 का पार्षद हूँ। आज हमने थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया है। आवेदन देते समय मेरे साथ ईशु यादव, हेमंत कुमावत और सचिन शर्मा जी भी मौजूद थे। हमने ज्ञापन में ये दिया है कि मेरे वार्ड से जो लगती हुई सीमा में जोगर्स पार्क है, वहां पर कुछ असामाजिक तत्व जो है पीछे की तरफ बैठकर नशे वगैरह करते हैं और वहां आने वाले जो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जो नागरिक आते हैं उनके साथ अभद्रता करते हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए। तो मुझे वार्ड से जाने वाले लोगों ने जो है शिकायत की थी, तो संबंध में मैं चर्चा के लिए एक चर्चा की थाना प्रभारी महोदय से और मैंने एक जो है आवेदन भी दिया, हम लोगों ने एक आवेदन भी दिया। दूसरा ये है कि वे जागरूक पार्क लेके वैष्णो देवी मंदिर तक नगर पालिका परिषद ने जो टीन शेड की कुर्सियां बनाई हैं, देर रात को यहाँ पे कुछ अवांछनीय तत्व जो है बैठकर भी वगैरह कुछ भी नशा वगैरह करते हैं और वो इस कदर मस्ती में होते हैं कि उधर से गुजरने वाले जो हमारे वार्ड के नागरिक हैं बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं और देर रात तक वो बाइकों पर प्रेशर आन की गाड़ियां लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कर्मचारी कॉलोनी और ऊपर मॉडल स्कूल के ऊपर चढ़ते हुए उत्पात मचाते रहते हैं। तो इस संबंध में हमने एक आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। मेरे साथ मेरे वार्ड के कुछ लोग भी हैं। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।